हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सदफ़ और आप देख रहे हैं डेली फूड। आज मैं एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ, वाइट चिकन पुलाव। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है, ये सबका फेवरेट है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। वाकई ये बहुत टेस्टी बनता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए देखते हैं पुलाव बनाने के लिए, चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम दो बारीक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप कर लेंगे, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, दालचीनी, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, हरी इलायची और 4 स्लाइस किया हुआ ग्रीन चिली और धनिया और पुदीना चॉप किया हुआ, और ये 1 टेबल स्पून नमक, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालें। ये 2 टेबल स्पून घी है, और ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का 3 टेबल स्पून पेस्ट है, और ये दही है 4 टेबल स्पून, और थोड़ा सा यानी कि 2 टेबल स्पून तेल है, और ये रोज़ वाटर है, और ये 750 यानी कि 750 ग्राम ये चिकन है, और ये 700 ग्राम ये चावल है, ये बासमती राइस है। इसको अच्छे से हम आधा घंटा पहले इसको अच्छे से वॉश करके रख लेंगे, इससे बहुत अच्छा पुलाव बनता है। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पतीली लेंगे और उसको गरम करेंगे, और अब हम इसमें घी डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें तेल डालेंगे, दोनों मिक्स करके बनाएंगे। इसे बहुत अच्छा पुलाव बहुत अच्छा बनता है। और अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, दालचीनी, तेज़पत्ता, शाही जीरा और लौंग और हरी इलायची। अगर आपको घी पसंद ना है तो आप ना डालें, अगर पसंद है तो इसमें दोनों मिक्स करके भी आप बना सकते हैं, और इसे हल्का फ्राई करेंगे। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल देंगे, और अब हम इसमें इसको हम 6 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को हम वाइट ही रहने देंगे, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, डार्क नहीं करेंगे। अब हम इसमें हम जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, और सारे चीज़ों को हम अच्छे से एकदम फ्राई करेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का, ग्रीन चिली का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे ताकि प्याज इसमें अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, और जिंजर गार्लिक अच्छे से थोड़ा सा पक जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा इसमें पानी डालेंगे ताकि एकदम अच्छे से, पानी डालने से बहुत अच्छा एकदम गल जाता है और प्याज और एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये 3 टेबल स्पून दही है, घर का जमाया हुआ दही है। घर पे अगर आप दही को जमा के और यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इसका अलग ही खाने में टेस्ट आता है। और दही डाल के और हम हाई फ्लेम पे इसको हम चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। और अब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर, बस हम थोड़ा सा तीखा के लिए है इसमें ऐड करेंगे। अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, और इसको भी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और अच्छा से इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन, मसाला एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें चिकन डाल के और फिर हम इसे चिकन को भी हम 7 से 8 मिनट तक हम इसे लगातार हम चलाएंगे और इसे एकदम अच्छे से हम इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है। थोड़ा इसमें हम पुदीना और हरा धनिया इसमें डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। थोड़ा सा हम धनिया और पुदीना को बचाएंगे गार्निश के लिए, और फिर हम इसे अच्छे से पकाएंगे।
5 से 6 मिनट तक के लिए। चिकन हमारा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि हम गरम खड़ा मसाला हम पहले भी यूज़ किए थे इसलिए हम थोड़ा डाले हैं। और अब हम चावल को इसमें डाल देंगे, अच्छे से सारे चावल को हम इसमें डाल देंगे पतीली में। और अब हम चावल को 3 से 4 मिनट तक हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, सारे चीज़ों को मिक्स करके हम इसे भी फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चावल का पानी जो एक्स्ट्रा रहता है इसमें सोख ना ले। और अब हम इसमें हम अच्छे से फ्राई हो गया है चावल, और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 3 गिलास हमारा चावल था तो हम इसका डबल में थोड़ा कम डालेंगे, तो 3 का 6 गिलास पानी डालना चाहिए, लेकिन हम 5.5 गिलास पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि चावल को हम पहले से ही अच्छे से वॉश करके रखे थे। इसलिए चावल को अगर आप तुरंत धो के डालते हैं तो आप बराबर पानी डालें, अगर पहले डालते हैं तो फिर कम, पहले धो के रखते हैं तो कम डालें। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिला के इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप चेक करके नमक डालें, आपको ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इसमें स्लाइस किया हुआ ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें खुशबू के लिए रोज़ वाटर। और अब हम ढक्कन को बंद करके और 10 मिनट तक हम हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे, और आप देख सकते हैं चावल और चिकन बहुत अच्छे से बन गया है। और अब हम इसे एकदम लो फ्लेम पे हम इसे दम करके और हम दम पे रखेंगे 6 से 7 मिनट तक। आप देख सकते हैं वाइट चिकन पुलाव एकदम अच्छे से बन गया है, और ऊपर से हम इस पे घी डाल देंगे और मीडियम एकदम लो फ्लेम करके हम इस पे इसको दम पे रखेंगे और फिर हम इस पे घी डालेंगे। चावल और चिकन अच्छे से हो गया है, और अब हम इसको चेक करने के लिए कलछी को हम उल्टा करके और फिर हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और फिर हम ढक्कन को हटाएंगे, और उस पर थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे पुदीना और हरा धनिया, इसे एकदम बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से हम थोड़ा डालते हैं तो, और फिर हम इसे साइड से हम एक सर्विंग ट्रे में हम इसे निकालेंगे, हल्के हाथों से निकालेंगे। आप देख सकते हैं चावल एकदम खिला खिला बना है, और चिकन और चावल एकदम बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एकदम यमी यमी वाइट चिकन पुलाव बन के तैयार है। एकदम एक भी चावल टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला चावल बना है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, और इसे हम हरी धनिया का चटनी इसके साथ अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और इसके साथ आप ज़रूर रायता चटनी इसे इसके साथ ज़रूर बनाएं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।